Yes, chal, ready? First of all, congratulations, bhai. Thank you. बहुत जोरदार दिवाली का आपने हमको धमाका दिया. क्या बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? टाइगर पार्ट टू में आप लोगों ने देखा होगा, एक हसन नाम का कैरेक्टर है जिसे सलमान सर बचाते हैं. अब पार्ट टू में आप लोग देखेंगे कि हसन नाम का लड़का टाइगर को बचाता है. तो नॉर्मली टाइगर सबको बचाते हैं, तो इस बार गेम थोड़ा उल्टा है और मैं भी सलमान सर को बचाता हूँ. तो दिस इज माई पार्ट इन द फिल्म. इसमें आपका किरदार जब आपको अप्रोच, मतलब टाइगर में पार्ट टू में, पार्ट थ्री में, तो क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि सलमान सर के साथ काम करना, कैटरीना मैम और उनके साथ मुझे तो बहुत नर्वसनेस फील हुई डेफिनेटली. और मुझे पता नहीं, हमेशा थोड़ा नर्वस फील होता है जब भी मैं किसी ऐसे एक्टर के साथ काम करता हूँ जिनको मैंने पहले से देखा है, जिनको मैं जानता हूँ. और मुझे हमेशा ही, जब भी मुझे कॉल आया तब से मुझे पता था कि मुझे ये फिल्म करनी है. उसके बहुत सारे अलग अलग रीज़न थे, स्पेशली एक प्रोफेशनल और पर्सनल रीज़न भी था मेरे लिए. प्रोफेशनल रीज़न ये था कि ये स्पाई यूनिवर्स है, ये टाइगर जिंदा है 3 पार्ट है, और सलमान सर के साथ, कैटरीना मैम के साथ, इन लोगों के साथ मेरा एक पार्ट है. भले ही एक छोटा सा पार्ट है, बट एक किरदार मुझे निभाने का मौका मिल रहा है उनके साथ. और साथ ही मेरा, आई मीन पर्सनल रीज़न ये था कि मैं कैटरीना मैम का बहुत बड़ा फ़ैन, तो मैं उनके साथ काम करना चाहता था. तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई फेल्ट कि आई रियली वॉन्ट टू डू दिस फिल्म, एंड देर वॉज नो सेकेंड थाट एट ऑल. एंड आई डेफिनेटली, आई मीन एट दैट मोमेंट ओनली आई सेड येस टू द फिल्म. तो हाँ, ये मेरा जर्नी था. और जब भी मैं सेट पे भी उनको मिला तो मैं एक्चुअली कुछ बोल नहीं पाया उनके सामने ज़्यादा. इवन नाउ मैं जब अगर उनको मिलूँ तो मैं ज़्यादा उनके सामने कुछ बात नहीं कर पाता, मुझे थोड़ा नर्वस फील होता है. इस तरीके से आपने कहा कि नर्वस फील होता है एज एन एक्टर जब आप मुझे सामने हैं, किस तरीके से आपने अपने आप को बांध के रखा कि नहीं विशाल भाई करना है? हाँ, वो खुद को एक बार ऐसे समझाना पड़ता है कि जब आप सामने जाते हो उनके और आपको पता है कि आपको अपने डायलॉग डिलीवर करने हैं, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि यहाँ पर स्टार स्ट्रक नहीं हो सकते आप. आपको उनके साथ काम करना है, उनके साथ सीन करना है, तो आप स्टार स्ट्रक हो ही नहीं सकते, वरना वो आपके काम पे असर करता है. तो इसीलिए मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था, बट ये इतना आसान काम नहीं है. अगर आप उनके फ़ैन हो और आपने उनको बचपन से देखा है तो आप ऐसा फील करते ही हो, बट दैट इज़ फाइन. आई थिंक आई एम नॉट द ओनली पर्सन हु फेल्ट लाइक दिस. आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टर मस्ट बी फीलिंग लाइक दिस व्हेनेवर दे वर्क विद सच बिग स्टार्स एंड सच मेगा स्टार लाइक सलमान खान एंड कैटरीना कैफ. तो ये मुझे भी फील हुआ एंड ठीक है, हो गया. बट या, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. जो किरदार आपने जो प्रेजेंट किया, उससे ऑडियंस को काफी एक्सपेक्टेशंस होते हैं क्योंकि आपका किरदार ही नेगेटिव, सस्पेंस, थ्रिलर. तो आपको कैसा लगता है अभी अपने आप को मतलब देख के, क्योंकि ऑडियंस काफी पसंद करते हैं, और रानी मुखर्जी मैम के साथ काम करके भी कैसा लगा वो ओवरऑल आप मुझे बताइए? बहुत ही अच्छा लगा. इतने सीनियर एक्टर है वो, उनके साथ जब आप सेट पे रहते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो. उनका डेडिकेशन, उनका प्रोफेशनलिज्म, वो कितने टाइम के पंक्चुअल है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई जानने मिलती है. फिर वो एज एन एक्टर हो या एज अ पर्सन भी हो, आप दोनों तरीके से उनसे सीखते हो. बहुत अच्छा लगा. लोगों की एक्सपेक्टेशन तो हाँ डेफिनेटली फर्स्ट फिल्म के बाद बढ़ ही गई है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँ और हमेशा उतना ही 100% दूँ जितना मैं अपने फर्स्ट डे जब मैंने शूट किया होगा लाइफ में तब मैंने दिया होगा. आज भी मैं उतना ही कोशिश करता हूँ कि हमेशा अच्छा काम करूँ, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब आप अच्छा काम डिलीवर करते हो तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करोगे. अब तो ये भी फैक्टर ऐड हो गया, पहले स्क्रिप्ट कौन सी चूज़ करनी है ये सारी चीज़ों का इतना टेंशन नहीं होता था क्योंकि काम ढूंढ रहे होते थे. अब फिलहाल जब आपको कॉल्स आने लगते हैं तो आप सोचते हो कि कौन सा काम करना बेटर रहेगा, फिर आपकी चॉइस भी मैटर करने लगती है, आप किस तरीके की फिल्में करते हो वो भी मैटर करने लगता है. तो या अभी एक्सपेक्टेशन है तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, नॉट ओनली मी बट हमारी पूरी टीम होती है, मैनेजमेंट टीम है, सब लोग मिल के एक डिसीजन लेते हैं. तो सलमान जी के बारे में बताया था, और वही दूसरी तरफ आपने बताया कैटरीना मैम कहीं ना कहीं पसंद.
हाँ वो हुआ हुआ मैं एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि आज मेरा उनके साथ सीन है, मैं सेट पे जाने वाला था और स्टूडियो पे खड़ा था और देख लिया मैंने गलती से कटरीना कैफ, और वो लिफ्ट के लिए खड़े थे अपने मतलब किसी स्टाफ मेंबर के साथ, और मैंने उनको देखा और मेरे दिमाग में गाने बजने लगे उनके, तेरी ओर चिकनी चमेली, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी, और मैं उनको देख रहा था मतलब ऐसे ही नज़र से कि कोई ऐसा भी ना सोचे कि ये अचानक में इनको कहाँ देखने लग रहा है, तो ये भी मैंने ऐसे ऐसे उनको देखा और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था आप लोगों ने वो ओम शांति ओम में जब वो सीन देखा होगा जहाँ पे शाहरुख सर वो शांति प्रिया के मतलब कपड़े से उनका ये वॉच पे अटक जाता है कपड़ा, तो मेरे लिए वही मोमेंट था, वो एग्जैक्टली वही मोमेंट था। फिर मैंने अपने आप को समझाया, विशाल थोड़ा ध्यान दे अपने काम पे वरना ये काम पे असर करेगा, तो मैं वहाँ से थोड़ा निकल गया और अपने आप को अच्छे जोन में रखा, स्क्रिप्ट पे ध्यान दिया और सेट पे जाके परफॉर्म करने लगा। तो या सलमान सर कैटरीना मैम को स्क्रीन पे देखते हैं, बड़े पर्दे पे देखते हैं, और आप एक ऐसे टाइम पे आए जिस पे सिनेमा बहुत आगे जा रहा है, थिएटर में आ रहा है, तो कैसा लगता है क्योंकि आपने उन्हें एकदम बहुत करीबी से देखा है जाना है, तो वो कितने सिंसियर है और आपको ये कैसा फील होता है कि ये टाइम पे आना, जैसे गदर जब आई तब बहुत पंप हुआ, सिनेमा बहुत बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी पंप हो गई मतलब हर एक तरीके से, तो हाउ बहुत ही अच्छा चेंज है। कोविड के बाद हर एक फिल्म मेकर, स्पेशली फिल्म मेकर जो थिएटर में अपनी फिल्में देना चाहते थे, हर एक लोग सफ़र कर रहे थे और बड़े से बड़े स्टार सफ़र कर रहे थे, बट अब सडनली फिर एक बार ऐसा चांस, ऐसा एक टाइम आ गया है जहाँ पे लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखना पसंद करते हैं, देखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फेज है जहाँ पे सब सभी एक्टर्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म हो या चाहे दूसरे कहीं भी प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे काम कर रहे हैं और अच्छे एक्टर्स के लिए, अच्छे टेक्नीशियन के लिए, अच्छे राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए भी अच्छे प्लेटफॉर्म रेडी है। एट द सेम टाइम जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा बनाना चाहते हैं, जो फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसको आप सचमुच थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करना चाहते हो, जो स्पेशली YRF धर्मा और राजामौली सर की जो फिल्में होती हैं, उस तरीके की फिल्में आप थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसका भी एक अलग जोन हो गया। गदर उसका, ऐसी सारी फिल्में आप थिएटर में देखना चाहते हो, तो दोनों तरीके की चीज़ें बैलेंस हो रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। अच्छा मैं फ़िलहाल टीवी तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ फिल्म्स में वहीं पे सस्टेन करूँ, और वेब शोज़ वेब सीरीज़ मैंने कुछ किए हैं जो आई थिंक अगले साल तक पहुँच जाएगी आप लोगों के पास, और या तो फिलहाल ये है, और लोगों को फैंस मतलब जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि थैंक यू इतना प्यार करने के लिए, हमेशा खुश रहो, थोड़े एनिमल लवर भी बन जाओ, और आपकी खुशी से ज़्यादा सचमुच कुछ भी ज़रूरी नहीं है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, और अपनी खुशियों को प्रायोरिटी दे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग जैसे लोग, आप जैसे फैंस, सपोर्टर्स, लवर्स मेरे लाइफ में है, और मैंने इतना मांगा नहीं था जितना आप लोगों ने दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डन।